हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रूमन एसिडोसिस। नॉर्मल पीएच ऑफ रूमन इज 6.2 to 6.8। अगर पीएच बिलो 5.5 हो जाती है तो उसको अपन रूमन एसिडोसिस बोलते हैं। रूमन एसिडोसिस के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन मेनली जो कारण होते हैं वो तीन होते हैं। सबसे पहले जो अपन फीड खिलाते हैं, वो फीड जो फॉरेज है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है तो रूमन एसिडोसिस हो जाएगा। सेकंड, अगर अपन फीड खिला रहे हैं उसमें सडन चेंज कर देते हैं, जो नया भूसा आ जाता है, पेडिस्ट्रा वीट स्ट्रा नया आता है, उसकी वजह से हो जाता है। और तीसरा, फीडिंग हैवी कंसनट्रेट। अगर कंसनट्रेट अपन बहुत ज़्यादा खिलाते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? एक तो रूमन का मोटिलिटी कम हो जाती है, दूसरा फैट परसेंटेज कम हो जाती है, और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये तीन मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं रूमन एसिडोसिस के। उसके बाद में अपन देखेंगे रूमन माइक्रोबायोलॉजी। रूमन माइक्रोबायोलॉजी से ही अपने को समझ में आएगा कि रूमन एसिडोसिस क्यों होता है। ये रूमन है और रूमन के अंदर ये नॉर्मल नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10^9 to 10^11 होती है। ये नॉर्मल रेंज होती है बैक्टीरिया की। अगर रूमन एसिडोसिस होता है तो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं रूमन के लिए और एनिमल के लिए, उनकी संख्या कम हो जाती है और लैक्टेट प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, रूमन में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो पीएच कम हो जाती है, और पीएच 5.5 से अगर कम हो जाती है तो अपन उसको रूमन एसिडोसिस बोलते हैं। अब इसमें अपन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो यहाँ पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको उनकी जगह पे जो न्यू यूजफुल बैक्टीरिया हैं जिसको अपन प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स में बैक्टीरिया, यीस्ट, मेनली बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरा अपन देते हैं सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब दूसरा अपन देते हैं सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब ये क्या करता है, रूमन पीएच को बढ़ाता है। और उसके बाद में अपन देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो सिस्टेमेटिक लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है शरीर के अंदर, जो लैक्टिक एसिड ब्लड की सप्लाई में चला जाता है, तो उसको कम करने के लिए, ताकि पशु शोक में नहीं जाए, उसके लिए अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। और नेक्स्ट देते हैं अपन थायमिन। थायमिन क्यों देते हैं, थायमिन देने का कारण है कि जो रूमन है, रूमन में जो विटामिन B1 है, थायमिनेज एंजाइम है, उसकी वजह से विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तो इसके लिए अपन थायमिन देते हैं। और उसके बाद में अपन जो फीडिंग ऑफ एनिमल है वो क्या कराएंगे, फीडिंग में अपन मेनली स्ट्रा और हे खिलाएंगे। क्यों, स्ट्रा और हे खिलाने से फैट जो परसेंटेज है मिल्क में वो बढ़ेगी, दूसरा एसिटिक एसिड है जो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा। तो ये इसके फायदे हैं। उसके बाद में अपन क्या दे सकते हैं, रूमनेटोरिक्स। रूमनेटोरिक्स में अपन कोई सा भी, जैसे रूम एक पाउडर है, या कोई सा भी अपन पाउडर जो रूमन के बफर को मेंटेन करता है और एपेटाइट बढ़ाता है वो अपन दे सकते हैं, रूमन की मोटिलिटी बढ़ाता है, ऐसा पाउडर कोई सा भी दे सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट है एंटीस्टामिन। एंटीस्टामिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन केस ऑफ एसिडोसिस। जो रूमन की वाल होती है उसके ऊपर हिस्टामिन सिक्रेशन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से
एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्टा फैटी एसिड नहीं हो पाता है, तो इसलिए एंटीस्टामिक देना भी ज़रूरी होता है। तो ये कुल मिला के जो ट्रीटमेंट है, अपन ओरल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ओरल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ताकि जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म हो जाए। और प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं अपन, प्रोबायोटिक्स अच्छी क्वालिटी की प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो इसका ट्रीटमेंट है